मेरा फैमिली में क्या पूरा झारखंड में ही चल रहा है कि सबको टाइगर जयराम महतो को ही वोट देंगे, तो जयराम महतो को वोट करेंगे। और जोहार साथियों, जोहार झारखंड। इस वक्त हमें गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर प्रवासी मजदूर मुंबई से जो आए हुए हैं टाइगर जयराम को वोट देने। क्यों आया टाइगर जयराम महतो को वोट देने, वो जानने के हम प्रयास करेंगे। चलिए उसी के जवानी और उसी से हम पूछते हैं, टाइगर जयराम महतो में क्या विचार अच्छा लगा जो महाराष्ट्र से पूरा फैमिली के साथ आप लोग जो झारखंड आए हैं टाइगर जयराम को वोट देने। चलिए सबसे पहले पूछने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार तोरा। जोहार दादा। जोहार आपका चैनल के। तो क्या लगा आप लोग का टाइगर का विचार अच्छा जो आप लोग यहाँ पर जो झारखंड आ गए? मतलब अच्छा विचार लागलो कि हमने के पास जाए के और हमने के अच्छा मतलब चीज बात बोल के लो, 1932 खतियान के बारे बतेलो और पढ़ाई लिखाई के बारे बतवो, हमने के रोजगार रोजी के बारे बतवो हो, हमने झारखंड सुधारे खातिर बात बोलो ताकि ठीक बोलो, जैसे हमने के अच्छा लागलो बोलो तो हमने के हमने चाहियो यहाँ से झारखंड से हमने चाहियो बाहर हमने काम करे ले, हमने बाल बच्चा हमने एथी ना हो से खातिर मतलब हमनियो बाल बच्चा लेके रखो यो कि ताकि झारखंड में कुछ मिलतो ना, इसलिए हमने बाहर जाके पढ़ाई रही और बाहर हमने दोनों फैमिली मतलब पूरा रह रलियो। क्या टाइगर आप लोग जितना फैमिली थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से घर आए टाइगर जयराम महतो आप लोग को पैसा भेज दिया था क्या वोट देने के लिए? नहीं, टाइगर जयराम महतो पैसा हमने क्या ना भेज दिले, हमने खुद अपन खर्ची से आए लियो और हमने मतलब टाइगर दादा के भी सहमति मतलब दे लियो चांदा के रूप से, हमने के दिले ना हो पैसा। क्या मुंबई में जब सतारा में सभा हुआ था टाइगर जयराम महतो का तो वहाँ आप लोग थे उस समय? हाँ, हमने हलियो, हमने टाइगर दादा के हमने स्वागत वगैरह सब हमने कर ले लियो। तो कैसन विचार हुआ जब बोल लो कि टाइगर के वोट दिए चाहिए? अच्छा विचार बोल लो, हमने के जाए के जागरूक कर लो कि हमने बाहर में ही हो देख लो अच्छा हमने के कि कैसन हिया के हुआ लोग आए के बाहरी लोग हमने ठीने कैसन हक जमाओ थुने और हमने झारखंड के लोग बाहर कैसन रहो थुने सेटा जाए देख लो कि कितना हमने कितना छोटा छोटा रूम में हमने पूरा फैमिली बिताओ यो और अखनी आए के हमने पूरा हक अधिकार सब हमने छीन रहा। जैसे आप लोग पूरा फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं तो कितना बड़ा घर में आप लोग रहते हैं ये दर्शकों को बताइए कि मुंबई में क्या कठिनाई है उसके बारे में आप बताइए। हमने ये बहुत कठिनाई से रोयो, हमने टाइम से पानी मिलो, हमने छोटा रूम में वह ठीन रांध होयो। कितना बाय कितना का रूम होगा लगभग? यह 10x10 के रूम है। तो कितना आदमी रहते उसमें? हमने कितना दूगो हमार बाल बच्चा हो, हमने दूगो चार गो और फिर अड़ोसिया पड़ोसिया आ जाओ तो ओकरे में फिर एडजस्ट करके हमने सुतवेल भाव और न तो फिर हमने फिर अगर कोई जान पहचान हो तो फिर दूसर के रूम पे हमने ले गए पड़ो सुते खातिर। देख सकते हैं भैया मुंबई में रहने से क्या कठिनाई होता है, 10x10 का रूम में पूरा 6-7 आदमी फैमिली पूरा रहता है, 10x10 रूम आपको मालूम पड़ गया होगा 10x10 का रूम कितना बड़ा होता है और इतना कठिनाई से मुंबई में रहता है। जब झारखंड में कोई नौकरी नहीं कोई सुविधा नहीं इसलिए मुंबई में जाके अपना रोजगार के लिए मुंबई जाना पड़ता है। और सुने इसके बाद चलिए और कुछ बात हम पूछने का प्रयास करेंगे। मुंबई में आप लोग क्या काम क्या करते हैं, आपका हस्बैंड क्या काम करता है? हम मेरा हस्बैंड राजमिस्त्री के काम करो, ईटा बालू जोड़ो हो और संगे हमू काम करो यो। आप पढ़ाई कितने तक किए हैं? हमारे इंटर फाइनल हो। इंटर फाइनल के क्या कुछ वैकेंसी उकेंसी झारखंड में? जब झारखंड में बहुत वैकेंसी भर ले झारखंड पुलिस में भर ले लियो, शुरू में 2011-12 में झारखंड पुलिस भर ले लियो, SSC के एग्जाम दलियो, GD के एग्जाम दलियो, सब चीज के एग्जाम दलियो, हमने कोई चीज के नौकरी ना लिए पा रही। एग्जाम दे के हमने के घूस मांग लो झारखंड पुलिस में, हम परीक्षा में भी पास हो लियो, दौड़ में भी पास हो लियो, जब हमार ज्वाइनिंग लेटर आवे के उस टाइम पे तो इतना सुविधा ना लो नेट के 2012-13 में, तो हमने ना जाने पा रियो, आइलो पोस्ट ऑफिस से हमने के ना मिल लो। तो क्या लग रहा है इस बार जयराम महतो का वोट करना चाह रहे? हाँ चाहेंगे, कैसे नहीं चाहेंगे, जब हमें ना कुछ करे पा रहे तो हमारे बाल बच्चा करते ना कर, हमने अपना पढ़ लियो, दियो फैमिली हमने पढ़ लियो,
हमनी पढ़ के हमनी कुछ नौकरी झारखंड में नहीं मिल रहा है, तो हमारे बाल बच्चा तो हमारे कुछ मिलते, इसलिए हमनी सब बाहर लेके पढ़ाई रही। अभी बाहर महाराष्ट्र के लोग बोलो है कि बाबू तोहनी इतना पढ़ल लिखल ही तोहनी नौकरी होना चाहिए, तोहनी कामा काहे कर रहे। तो हमनी बोलो कि हमनी झारखंड सरकार अच्छा ना हो, इसलिए हमनी के ना नौकरी मिलो, हमनी यह काम करो ही। क्या तो जयराम दादा अगर गिरिडीह से एक सीट जीत जाएगा तो क्या वो कुछ परिवर्तन कर पाएगा? बहुत परिवर्तन करेंगे, बहुत। हम लोग को तो उम्मीद है कि करेंगे दादा, इसलिए हम लोग सब जितना महाराष्ट्र के लोग सब उठ के हम नहीं आए रही हूँ। में मेरा शादी हुआ, 12 साल हो गया, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। दो दो तीन तीन बार फॉर्म भरे, 5,000 डाले, अभी तक राशन कार्ड मेरा नहीं बना, किसी को नहीं बना है। आपसे लास्ट सवाल आप पूछना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार किससे मतदान करेंगे? मतदान हम किससे करेंगे जयराम? इसका दिल में दुख और दर्द है, प्रवासी मजदूर इसका हस्बैंड है जो झारखंड में 40% खनिज संपत्ति रहते हुए मुंबई पलायन किए हुए हैं। चलिए उसका हस्बैंड से हम बात करने का प्रयास करेंगे और इसका क्या इसका समस्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार, आपका चैनल को भी जोहार। तो क्या लग रहा है आप पूरा फैमिली के साथ मुंबई से यहाँ आ गया? टाइगर जयराम मातो की पैसा भेज दे ले लो मुंबई? नहीं भेजे तो नहीं थे। नहीं भेजे थे तो कैसे आ गया पूरा फैमिली, 7-8 फैमिली के साथ? मैं अपना खर्ची से आया। काहे के लिए आए? जयराम मातो को वोट देने के लिए। जयराम मातो के क्या विचार आपको अच्छा लगता है जो टाइगर जयराम मातो को वोट करना चाहते हैं? जयराम मातो को पूरा विचार, जितना भी विचार है उसका सब सही है। उसका जो विचारधारा बात करने का, जो जितना मुद्दा उठाता है ना झारखंड के हित में, और कोई नेता उसका नहीं उठाता। हम न्यूज में सुने हैं कि भर भर के मराठी मानूस सैकड़ों के संख्या में टाइगर के समर्थन देने के लिए आ गया है, महाराष्ट्र से आए हैं, सतारा से। और ट्रेन में भर भर के प्रवासी मजदूर टाइगर के लिए आ रहे हैं, ये भी बात सही है क्या? हाँ, मुंबई से आ रहे हैं और अभी गाड़ी में भी है। आज ही बात हुआ है, हम लोग कल 10 आदमी उतरे और अभी भी ट्रेन में है मुंबई हावड़ा मेल से। क्या विचार आप लोग का अच्छा लगा जो टाइगर के लिए पूरा एकदम ट्रेन भर भर के पूरा महाराष्ट्र से आप लोग झारखंड आ रहे हैं, क्या विचार आपको अच्छा लग रहा है? उसका विचार है जो झारखंड के हित में बात करता है, अपना माटी का बात करता है, वो अपना झारखंड के जो कोई सिस्टम नहीं है झारखंड में, अपना जो है बाहरी लोग यहाँ आता है मतलब जॉब के लिए, मतलब इसका कहना है सबसे बड़ा है मुद्दा 1932 का खाद्यान्न स्थानीय नियोजन नीति बने, तब अपने यहाँ का लोकल लोगों को रोज़गार मिले, बस यही है। और नहीं मिलने के कारण सब जितना यहाँ का लोकल लड़का मतलब झारखंड का लड़का पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन अब लास्ट सवाल पूछेंगे जयराम, ठीक है? इसलिए आप लोग जयराम के साथ जाना चाहते हैं? टाइगर जयराम मातो वोट दिए हमने, लागल गरीब के धिया पुता लगथिन सट्टा लागल बहुते हमने लागल और हमने कुछ नहीं लागल तोर मुंड के ने वोट दिए के मतदान कने कर भी तो हम जयराम मातो दबो जयराम मातो। चार अच्छा से चाची रखा और हम एक बहन है उससे भी बात करेंगे। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? गायत्री कुमारी। तो क्या लग रहा है इस बार किसे मतदान करेंगे? वोट दे लिए एको बार ककरो वोट दे लें? हाँ दिए हैं। ये कब दिए थे? ये जब कुछ दिन पहले मुखिया का जो चुनाव हुआ था उसमें दिए। मैंने ये दूसरा वोटिंग है ना? हाँ दूसरा वोटिंग है। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या लगेगा, जयराम मातो पे ही वोट देंगे। तो क्या जयराम मातो में ऐसा क्या चीज है? जयराम मातो में ऐसा क्या है? मतलब झारखंड के बारे में इतना सोच रहे हैं तो जयराम मातो के बारे में तो ही सोचना चाहिए ना। जयराम मतलब जयराम मातो कुछ कर रहे हैं हम लोग के लिए, तो हम लोग को तो देखना ही पड़ेगा ना जयराम मातो को, तभी ना आगे चल के और भी कुछ करेंगे। अभी नेता नहीं बने हैं फिर भी इतना कुछ कर रहे हैं, इतना सबको मतलब कि इतना आगे कर दिए हैं सब, एक भी बात हम लोग बोल नहीं पाते थे, लेकिन अभी इतना जागरूक कर दिए हैं जयराम मातो कि हम लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं तो किसी के मतलब हो जाते हैं, मतलब कोई भी अगर गलत बोल रहा है तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो क्या पढ़ाई की हैं आप? हाँ पढ़ाई की है। कितना? अभी ग्रेजुएशन में है, मतलब सेमेस्टर 5 में है। तो क्या लग रहा है झारखंड में नौकरी ले पाएंगे आप? ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे? अगर वैसा हम मेरे पास हुनर होगा तो ज़रूर ले पाएंगे। और जयराम मातो तो हम लोग के बारे में ही सोच रहे हैं कि इतना जो बुजुर्ग मतलब पढ़ लिख के जो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, इतना पढ़ लिख के, तो क्यों ना हम उन लोग को झारखंड में ही नौकरी दें,
जो इतना बाहर से आके और हम लोग के झारखंड में नौकरी ले रहा है, वो तो हम लोग को होना चाहिए ना। तो इसीलिए अब जयराम महतो को वोट करेंगे। हाँ, हम तो जयराम महतो को वोट करेंगे और मेरे पूरा परिवार जो है जयराम महतो को ही वोट करेगा। वहाँ ससुराल में भी, यहाँ तो मेरा मायके है, मायके में आए हैं वोट देने के लिए ससुराल से। ससुराल में भी बोल के आए कि सब जयराम महतो को ही दीजिएगा, तो वहाँ पे भी जयराम महतो को देंगे वोट। देख सकते हैं जो बहन था वो बहन अपना बात बारीकी से रखा, और मेरे पास एक बहन है उससे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार आपको, आपका चैनल को जोहार, झारखंड को जोहार। तो क्या लग रहा है इस बार, आप तो एक भी बार वोट किए हैं क्या? नहीं, अभी मेरा वोटर कार्ड नहीं बन के आया है। तो क्या लग रहा है इस बार, जयराम जयराम का पूरा चर्चा है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, क्या बोलना चाहते हैं आप? तो वोट नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपका विचार क्या है, आपका फैमिली का विचार क्या है? आप लोग कुछ तो घर में राय चलता होगा क्या, इस बार किससे मतदान करेंगे? हाँ, इस बार मेरा फैमिली में सबका विचार चल रहा है कि सब टाइगर जयराम महतो को ही वोट देंगे। मेरा फैमिली में क्या, पूरा झारखंड में ही चल रहा है कि सबको टाइगर जयराम महतो को ही वोट देंगे। तो क्या आप लोग क्या घर में रहते, क्या आपका पापा बोल रहा है कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं? हाँ, मेरे पापा महाराष्ट्र में रहते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। आप लोग भी वहीं रहते हैं? नहीं, हम लोग वहाँ नहीं रहते। तो क्या आप पढ़ाई करते हैं यहाँ रहते? हाँ, हम यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। कितना पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अभी हम इंटर में हैं, फर्स्ट ईयर में। तो क्या नौकरी ले पाएंगे? हाँ, लगता है झारखंड में पढ़ के नौकरी ले पाएंगे अगर टाइगर जयराम महतो जीत गए तो। वरना होता है बहुत बार कि हर स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आने का टाइम में पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का भरोसा टूट जाता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं एग्ज़ाम देके, क्योंकि बार बार तो पेपर लीक ही हो जाता है, झारखंड में तो अब नौकरी ले पाएंगे नहीं। इसलिए बहुत हम लोग के भैया लोग या अड़ोसन पड़ोसन जो भी हैं बाहर चल जाते हैं काम करने के लिए, ऐसे बहुत हम लोग के हैं। झारखंड में बदलाव हो ही नहीं रहा है, इसलिए इस बार सबको टाइगर जयराम महतो को वोट दे रहे हैं। हो सकता है कि झारखंड में बदलाव हो जाए इस बार, सब हम लोग का झारखंड में नौकरी हो। बिहारी लोग हम लोग का नौकरी कर रहे हैं झारखंड में, और हम लोग का झारखंड का लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इसलिए टाइगर जयराम दादा ये बात को उठाए हैं, झारखंड में सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने फैमिली वालों को, अड़ोसन पड़ोसन सबको समझाएंगे कि इस बार जयराम महतो को ही वोट दें। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपका पूरा फैमिली टाइगर जयराम महतो को वोट देंगे? जी हाँ, मेरा पूरा फैमिली टाइगर जयराम महतो को ही वोट देंगे। मेरा वोटर कार्ड नहीं है तो नहीं, तो मैं सबसे पहले अपना फैमिली में ही सबसे पहले जाती वोट देने टाइगर जयराम महतो को। भैया बैठा था और दीदी सब और बहन सब बैठे थे, वो लोग का विचार आप लोग को कैसा लगा जो महाराष्ट्र से वोट देने के लिए टाइगर जयराम महतो को झारखंड आ गया? ऐसा क्या है जयराम महतो पे जो झारखंड मुंबई छोड़ पूरा फैमिली के साथ झारखंड आ गया? और ये लोग का विचार आप सुने, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। और वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।